हेलो दोस्तों, आज जो कार लेकर हम आपके सामने आए हैं वो बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है, क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? होती है कि जब आप उसे खरीदने जाते हैं तो पेट्रोल की तुलना में बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है। लेकिन MG की ये आज ही अनवेल हुई है विंडसर EV, और MG ने इस बात का ख्याल रखा है कि कीमत कॉम्पिटिटिव हो और बहुत ही कम हो। बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस रखा है, वो आपको बताऊँगा। लेकिन फीचर जिस तरह का है वो तो अपने आप में अद्भुत है। जिस रेंज की ये गाड़ी है और जो कीमत रखी गई है, भाई साहब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। पूरी गाड़ी को देखिए। MG की ये तीसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ZS EV इसकी पहले से मार्केट में है, और Comet EV जो नैनो से भी छोटी गाड़ी आई थी वो भी अब मार्केट में सड़कों पर चल रही है, और अब ये तीसरी है। शायद MG इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है। लेकिन जो समस्याएं आ रही है उसको भी MG दूर करती जा रही है। ज़रा इसके फ्रंट को देखिए। जो मुझे देखने में लगता है इसका फ्रंट, कॉमेट आपने देखी होगी तो कॉमेट का ही ये बड़ा वर्जन दिखता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताना, या आपको फ्रंट से ये कैसे लगती है? मैं बात सिर्फ फ्रंट की कर रहा हूँ, कॉमेट की तरह लगती है। इसके अलावा 360 डिग्री का ये कैमरा दिया है, यानी हर एंगल से आप अपनी गाड़ी पर नज़र रख सकते हैं। सेफ्टी का ये ज़बरदस्त फीचर है। इधर आप आइए, अलॉय व्हील देखिए, ये इसका टॉप वेरिएंट है। देखिए तीन वेरिएंट है इसके, इसमें टॉप वेरिएंट है 18 इंच का अलॉय व्हील, आप देखिए ज़बरदस्त लग रहा है। ये वो जगह है जहां से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। AC और DC दिया हुआ है। आपको पता है कि AC से चार्ज करना सस्ता पड़ता है, घर वाला सॉकेट, घर वाली बिजली होती है। DC से अगर आप कहीं चार्ज करते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। साइड का आप देखिए प्रोफाइल इसका ज़बरदस्त है, लंबी गाड़ी है। इसको CUV कह रही है कंपनी, इंटेलिजेंट CUV, यानी क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल। ये ऐसी व्हीकल जिसमें सेडान का कंफर्ट और साथ ही साथ SUV का स्पेस भी है। और ये है आपके सामने बूट स्पेस, ये भी एक गाड़ी का अहम हिस्सा होता है। बूट स्पेस इतना ज़रूरी होता है क्योंकि आप कहीं जाते हैं तो सामान रखने के लिए जगह उसमें पर्याप्त होनी चाहिए। तो ये है आपके सामने ये बूट स्पेस, और पीछे से भी आप देखो कितना खूबसूरत लुक है। ये देखिए एकदम कनेक्टेड यहाँ की LED लाइट है। इतना मैंने इंटीरियर को लेकर इसको समझा है वो भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंप्रेसिव है। देखिए सबसे पहले आपको नज़र आपकी जाएगी ये 15.6 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और मल्टीमीडिया, तमाम तरह के इसमें फीचर्स मौजूद हैं जो आजकल की गाड़ियों में, जो लग्जरी गाड़ियां हैं वहां देखने को मिलती है वो सब कुछ। इसके अलावा जो ड्राइविंग स्क्रीन है वो 8.8 इंच का ये छोटा सा है। इंटीरियर में इसके तमाम अन्य फीचर्स की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले तो एक ये मुझे दिखता है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग। इसके फायदे जैसे होते हैं कि आपको लेग स्पेस पूरा मिल जाता है। गाड़ी अगर आपने पार्क करते वक्त गलत तरीके से टायर घुमा हुआ है तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि, तो ये एक फ़ीचर है वो आजकल की गाड़ियों में आ रहा है। इसमें भी दिया गया है, जगह बहुत ही ज़बरदस्त है, कप होल्डर अलग अलग जगहों पर हैं। आप इधर देखिए ड्राइविंग सीट के पास भी, जहाँ आपको अन्य गाड़ियों में कम दिखता है लेकिन यहाँ पर है। म्यूज़िक सिस्टम मैंने इसका देखा वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जो साउंड सिस्टम है, साउंड क्वालिटी है, वो आज के यूथ को बहुत ही पसंद आएगा। और जैसा मैंने बताया कि इसमें तमाम तरह के इंफोटेनमेंट फीचर से ये भरा हुआ है, स्पेस पर्याप्त है। हाँ, अगर आप पीछे ऊपर की तरफ जाएं और इसके सनरूफ को देखें तो वो पैनोरमिक है। हाँ, ये अलग बात है कि पूरी तरह से ये ग्लास नहीं खुलेगा, तो ये पैनोरमिक यहाँ पर सनरूफ दिया गया है जो यहाँ से लेकर लास्ट तक है। वो भी एक ज़बरदस्त फीचर है, आपको गाड़ी चलाते हुए खुले आसमान को देखना हो तो वो आपको बहुत ही आकर्षित करेगा। जिस सीट पर मैं बैठता हूँ ड्राइविंग सीट, वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट किया जा सकता है। राइट हैंड पे यहाँ पे वो फीचर्स दिया गया है। इसके अलावा पीछे की सीट जो आप देखेंगे वो भी ज़बरदस्त है। बैक सीट पर बैठने वाले इंसान को ये होता है कि उसे जगह कई बार कम मिलती है, लेकिन नहीं, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि CUV इसको कंपनी कह रही है, तो जहाँ पर स्पेस की बात कही गई है कि SUV टाइप का स्पेस है तो उसमें वो आपको दिख रहा है। देखिए लेग स्पेस पूरा भरपूर है, हेड स्पेस भी आपको यहाँ पर ज़बरदस्त मिल रहा है, और सीट तो बिल्कुल भाई साहब महाराजा वाली है। देखिए रिक्लाइनर है ये, और रिक्लाइनर भी किस तरह से, देखिए आप
135 डिग्री, 180 पर पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है, तो महज 45 डिग्री बच रहा है। 135 डिग्री पे आप आके बिल्कुल आराम कर सकते हैं, एक झपकी भी ले सकते हैं। तो पीछे वाले लोगों के लिए भी पूरी ज़बरदस्त व्यवस्था है, यहाँ पर एसी वेंट भी दिया हुआ है, जहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा भी आप तक मिलती रहेगी, और पैनोरमिक सनरूफ है, तो भाई साहब आसमान आप देखते हुए आगे का मज़ा लेंगे, सफ़र का आनंद लेंगे। तो सेफ्टी का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, 6 एयरबैग इसमें दिए गए हैं, वो ज़रूरी है, ABS है, EBD है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी इसमें दिया हुआ है। आप इसके अलावा अगर बात करें तो ADAS है इसमें, यानी जो ड्राइव कर रहा है उसको तमाम तरह के असिस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिकली ये गाड़ी करती है, ताकि किसी तरह का कोई ख़तरा ना हो। क्रूज़ कंट्रोल है, वो भी अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। अडाप्टिव क्या होता है कि जब आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है तो आप इसमें इस तरह से सेट कर सकते हैं कि उसकी स्पीड के मुताबिक आपकी गाड़ी उसको फॉलो करेगी, चलेगी। उसकी स्पीड अगर कम तो आपकी गाड़ी भी स्पीड कम हो जाती है। ये तमाम तरह के फीचर्स हैं जो आपको बहुत ही चौंकाते हैं, और MG ने इस बात का ख्याल रखा है कि कंफर्ट के साथ साथ तमाम तरह के फीचर्स आप तक पहुँचे, और वो कोशिश में काफ़ी हद तक कंपनी सफल हुई है। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंजन होती है वो उसकी बैटरी होती है, तो यहाँ 34 किलोवाट की बैटरी इसमें लगी हुई है, 134 BHP की पावर ये जनरेट करता है जो मोटर इसमें लगा हुआ है, इसके अलावा 200 Nm का टॉर्क, और एक बार के फुल चार्ज में ये चलती है 331 किलोमीटर। और सबसे आखिर में बात प्राइस की, जो बहुत ही अहम है सबके लिए। तो जैसा मैंने बताया था कि धमाकेदार प्राइस रखी है कंपनी ने, और जिस तरह का फीचर मैंने आपको बताया उस फीचर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये महज 10 लाख की है, 9.99 लाख। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी बैटरी की फुल टाइम मतलब लाइफ टाइम वारंटी है। हाँ, इसमें एक प्राइस और जुड़ेगा, 3.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको रेंटल कंपनी को देना होगा। जब भी आप इसको लेकर इसकी बैटरी के रखरखाव के लिए या कंपनी के पास जाएंगे तब ये पैसा देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपने 10,000 किलोमीटर चलाया तो 10,000 इंटू 3.5 आपको जोड़कर वो पैसा कंपनी लेगी। तो अगर इसके बावजूद भी अगर आप किसी पेट्रोल वेरिएंट की गाड़ी से इसकी तुलना करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से तुलना करें दूसरे कंपनी की गाड़ियों की, तो भी ये बहुत ही सस्ता इकोनॉमिकल पड़ रहा है। तो है ना, ये आज की ये ज़बरदस्त धमाकेदार कार। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।